तो दोस्तों आज आप लोग जानने वाले हो कि कैसे आप लोग बैंक ऑफ इंडिया से अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन अप्लाई करना चाहते हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हो और वो भी चाहते हो कि बैंक ऑफ इंडिया से ही आपको लोन मिले ताकि आप लोग की खाता भी इसके अंदर है और आप लोग जो है जो भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को बहुत आगे तक ग्रो करने के लिए पैसे की तलाश में हो जिसमें आपके बिजनेस को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सके। तो आपको पता है कि MSME में अगर आपका बिजनेस आता है तो आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो सरकारी योजनाएं होती है उनके अंदर आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन मिल जाएगा। और इस लोन के अंदर आपको जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 50,000 से 10 लाख के बीच में मिलता है जिसके अंदर कैटेगरी डिसाइडेड है। 50,000 रुपये शिशु मुद्रा लोन के लिए, 5 लाख किशोर के लिए और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट होता है और इसके बाद मुद्रा लोन खत्म हो जाता है और वो है 10 लाख रुपये तक का तरुण मुद्रा लोन। तो यहाँ पर हम आपको यही बताने वाले हैं कि सबसे मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट तक का लोन यानी तरुण मुद्रा लोन को आप लोग कैसे आवेदन करोगे जिसका अमाउंट होगा 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के बीच में। अब अगर आप लोग इस लोन अमाउंट को आवेदन करना चाहते हो तो आपको प्रोसेस समझना होगा। हालांकि इससे रिलेटेड वीडियो पहले भी आपको देखने को मिल गई होगी हमारे चैनल पर जहाँ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप लोग आवेदन करोगे बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। लेकिन वहां पे जस्ट हमने बैंक ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से यूज किया था और मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव साहब से कॉन्टैक्ट करेंगे। इस केस में यहाँ पे हम लोग जो है एक नेशनल पोर्टल का सहारा लेने वाले हैं, नेशनल पोर्टल जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम करेगा आप लोगों की सारी चीज़ों को कंप्लीट करके लोन को आवेदन का कंप्लीट करने में और आपके बैंक अकाउंट तक पैसे का ट्रांसफर होने का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। पर बता दूँ वीडियो एक डेमो बेसिस पे होने वाली है तो कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीज़ जो है मैं आपको समझा दूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वो आप हमें कमेंट्स में के बता सकते हैं, जैसे कि आपका बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई खाता है या नहीं है। साथ ही में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लोन पाओ चैनल को। शुरू करते हैं वीडियो को और स्टेप्स प्रोसेस की मैं बात करूँगा तो ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पर सिंपली टैप करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक जिस पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। तो आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते सीधा पहुंच जाएंगे लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लोन पावर डॉट इन की साइट पे पहुंचने के साथ ही यहाँ पे प्रॉपर तौर पे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म खुल जाएगा यानी फाइनेंशियल वेबसाइट ये खुल जाती है। इसके बारे में तो खैर आप लोग जानते हो तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा क्या करनी। यहाँ पर आपको सबसे पहले मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा जिस पर सिंपली क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको MSME लोन पर जाना है। इंट्रो में मैंने बता ही दिया है कि MSME लोन पर क्यों जाना है, क्योंकि आप अगर आपका बिजनेस MSME के अंदर आता है और अगर मुद्रा लोन की बात करते हैं तो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज लोन के अंदर जो है या इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल तरीके से MSME लोन पे जाओगे तो बैक साइड करते हैं और MSME लोन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो है जितने भी MSME लोन होते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो हो ही गया, PMEGP लोन यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना, तीसरा आता है आपका यहाँ पे PM स्वनिधि और बहुत सारे ऐसे लोन होते हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा लोन आपको दिया जाएगा। अब ऐसे में आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स कंटेंट देखने को मिल रहे हैं, सेंट्रल बैंक मुद्रा लोन के बारे में, पंजाब एंड सिंध बैंक है और बहुत सारे बैंक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब क्योंकि हमें इसमें से फाइंड करना है बैंक ऑफ इंडिया को तो हम चाहे तो दो तरीके हैं, या तो हम नेक्स्ट करके जा सकते हैं लेकिन इसमें उसको करके जाने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बैंक ऑफ इंडिया और आगे डाल देना है मुद्रा। इतना कीवर्ड डाल के जैसे आप लोग सर्च करोगे जस्ट वेट करना है और आप लोग सामने कंटेंट मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें, कैसे आवेदन करें। नॉर्मल सा आर्टिकल है, सिंपली आर्टिकल पर टैप करना है और आर्टिकल आपका डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है पूरी जानकारी इसके अंदर है, चाहे बात करते हैं अमाउंट की, चाहे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, चाहे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो सभी कुछ इसके अंदर है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको जो है 50,000 रुपये तक का लोन है वो शिशु मुद्रा लोन के अंदर आता है, मैंने बता रखा है, और किशोर के अंदर आपको जो है 5 लाख से 10 लाख के बीच मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी है जानकारी के तौर पर। बट इतना है कि मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ तक का लोन एज़ पर द रिपोर्ट्स पता चला है कि आपको इतना ही देखने को मिलता है। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करेंगे तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को कंप्लीट से पढ़ लेना, जैसे कि रीपेमेंट का टाइम क्या है। रीपेमेंट का टाइम वैसे 5 साल तक का ही होगा, 5 साल से अंदर चुका सकते हो, 5 साल के बाद शायद मैक्सिमम टाइम लिमिट क्रॉस कर जाता है। दूसरा इंटरेस्ट रेट का सवाल है तो 8 से 12% के बीच में जो है इंटरेस्ट रेट होता है और मैक्सिमम केस में जो है 10 से 10 साढ़े 10% तक का ही इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात डॉक्यूमेंट्स की होगी तो वो ऑनलाइन ही अप्लाई करने वाले तो ऑनलाइन ही समझ लेंगे और बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको जो है इस आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत है। आर्टिकल को पढ़ लिया तो यहाँ पे विजिट का लिंक मिलेगा, इस विजिट का लिंक पे सिंपली क्लिक करना है जो सीधा आपको रिटर्न कर देगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। और इंट्रो में जब हम लोग जिस पेज पे थे उसी सेम पेज पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में एक डाउट होता है कि हम लोग इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो कोई भी बंदा जो है इंक्लूडिंग वुमन भी, अगर वो प्रोप्राइटरी कंसर्न पार्टनरशिप फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी भी तरीके से एंटिटी जो कि जिस एंटिटी की बात कर रहे हैं वो बिजनेस एंटिटी है, किसी भी तरीके की व्यावसायिक एंटिटी से कनेक्टेड है, तो वो सिंपल एलिजिबल है PMMY
लोन्स के लिए, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे है। अगर मार्जिन के केस में बात करें तो शिशु मुद्रा लोन यानी 50,000 रुपये तक पे कोई मार्जिन नहीं है, अबव 50,000 रुपये 15% तक का मिनिमम आपको जो है मार्जिन देखने को मिलेगा। और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप इसको और जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के जहाँ तक सवाल आते हैं तो देखो डॉक्यूमेंट्स के केस में तो ये चीज़ जो है अलग अलग डिपेंड करती है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है आपको मैं आगे चल के जो है और समझा दूंगा डिटेल में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब करना क्या है, सबसे लास्ट में जाना है आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नेशनल पोर्टल का, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था हम नेशनल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तो इस पर सिंपली टैप कर देना है। टैप करोगे एग्री बटन पर टैप कर देना और सीधा रिट्रेट कर देगा जनसमर्थ के वेब पेज पे। यहाँ जैसे आप आ जाओगे तो सबसे पहले हम इसको जो है मोबाइल मोड पे कर लेते ताकि ईजी रहे सबके लिए। तो यहाँ जैसे आप लोग आ जाओगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जिनका यहाँ पे जनसमर्थ में ऑलरेडी अकाउंट है तो उनको सिंपली लॉग इन करने का ऑप्शन मिलेगा, और रजिस्टर का भी ऑप्शन है, जिनका अकाउंट नहीं वो रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए करना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है, ओटीपी जनरेट होगा, उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके सिंपली आपको अपना अकाउंट बना लेना है। देन लॉग इन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। लॉग इन के ऑप्शन में जाने के साथ ही सबसे पहले आपको करना क्या है, मोबाइल नंबर आपको डालना है जो कि 10 डिजिट का होगा, या ईमेल आईडी भी डाल सकते हो जो आपने ऑप्शनल ओटीपी के डालने के बाद डाला था। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है, फिर ऑटोमेटिक आपको पासवर्ड स्क्रॉल होने के ऑप्शन आएगा, पासवर्ड डाल देना है एंड लॉग इन के बटन पर टैप कर देना है। अब जिनका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और जिनका अकाउंट पहले से भी है वो सिंपल तरीके से लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आप लोगों ने लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन करने के बाद अब आगे की चीज़ों को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौथे ऑप्शन यानी बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंदर जाना होगा। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। बेसिक सवाल किससे रिलेटेड है, सबसे पहले अदर बिजनेस लोन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है कुछ चीज़ें जैसे कि आपके बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, आपने कुछ जैसे कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया है, आपकी क्वालिफिकेशन में आपने मिनिमम 8 क्लास पास किया कि नहीं किया, आपके जो है मेंटल स्टेटस, आपका जेंडर, आपकी सोशल कैटेगरी क्या है जैसे कि SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हो या फिर अगर आप जनरल हो तो वो भी, इसके अलावा आपके जो है हैंडीकैप आप हो तो नहीं हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हो जैसे जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वगैरह से, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी देनी है। अभी जानकारी को मांगा इसे जाता है ताकि जो भी चीज़ें उसी के बिहाफ पे और एलिजिबिलिटी को चेक क्राइटेरिया को कंप्लीट करके देखा जाए कि आपने जो लोन अमाउंट के लिए आवेदन किया है उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। तो सबके केस में अलग अलग हो सकता है, सब ऐसे डेमो बेसिस पर मैं तो इस चीज़ों को करूँगा, लेकिन सब लोग जो है डेमो बेसिस के हिसाब से मत करना, सब लोग इस हिसाब से करना ताकि आप लोगों को लोन आवेदन हो सके। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है बस हम लोग आगे के स्टेप से बढ़े, क्योंकि वीडियो को हम डेमो बेसिस पे क्रिएट कर रहे हैं। ये करने के साथ ही हम जो है आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले जो है अब मेन चीज़ आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। जिनको नहीं पता प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं कुल लागत, जो कि आपके बिजनेस के व्यवसाय के ऊपर कुल लागत कितना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग टाइम में किसी का शुरू में कम हो सकता है, लेकिन जब तक अगर सपोज करो उसे 10 लाख रुपये तक की लोन की अमाउंट की नीड है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि 10 लाख का 10 गुना तक का उसका बिजनेस का कुल लागत हो सकता है। ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे केसेस में जो है बहुत हायर भी रहता है, बहुत सारे केसेस में 10 गुना से थोड़ा सा कम ही रहता है, 5 to 8 या 7% कभी कभी तो उससे भी कम होता है, डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कुछ इतनी है, ठीक है। अब जिसमें की बात करते हैं कि मुझे लोन अमाउंट कितना चाहिए, मतलब मैं अपनी तरफ से इन्वेस्ट कितना कर सकता हूँ, या फिर मैंने कितना प्लान किया हुआ है अपने सोर्स से इन्वेस्ट करने का, तो मैंने सोच रखा कि मैंने इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी के बचे 9 लाख रुपए जो कि मुझे चाहिए एज अ लोन, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जो है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले इस बिहार पे चेक करते हैं कि यहाँ पे जो है हम एलिजिबल है कि नहीं है, तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन हमें मिल जाएगा, और पहला ही हमें जो है ऑफर मिल चुका है। यहाँ 9 लाख रुपये तक का हमें लोन देखने को मिल रहा है, इसमें 19,100 रुपये 20 रुपये हमारी होगी EMI, ठीक है, और 5 साल तक का जो है हमें समय मिल जाएगा लोन को चुकाने का। प्रोसीड करना नॉर्मल तरीके से आपको, और अगर कुछ चीज़ें कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो, वरना एडिट कर सकते हो, और नहीं करना तो आगे बढ़ के कंटिन्यू के ऑप्शन में प्रोसीड कर देना है। अब इसके बाद शुरुआत होती है मेन एप्लीकेशन की। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि इतनी सारी चीज़ें कर दी अब हो गया ना, अब तो मेन शुरुआत हुई है आपके इस लोन प्रोसेस को कंप्लीट करने की। ये जो सीढ़ी है वो 13वें स्टेप पर आके खत्म होगा, और 13वां स्टेप क्या है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर आप इसको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कह सकते हो रख लेना, सेल्स डिटेल 12 महीने की, GST डिटेल्स आप इसको कहते हो, और बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। इस कंसेंट फॉर्म को ध्यान से भरना, मतलब कि इसको आपको एक्सेप्ट करना है कंसेंट फॉर्म को ध्यान से ही, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है जितनी भी सारी बातें लिखी गई है इसको आप अच्छे से पढ़ने चाहिए, बाद में ऐसा ना हो कि आपके साथ ऐसा लगे कि हाँ भाई हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं है। एक तो टर्म्स एंड कंडीशन की तरह होता है, तो कंसेंट फॉर्म को बहुत ही सही से पढ़े। अब इसके बाद आपको सबसे पहले वेरीफिकेशन करना होता है अपना पैन कार्ड का, दूसरा वेरीफिकेशन है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरीफिकेशन का, यहाँ पे तीसरा वेरीफिकेशन भी होता है बट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो कि है आधार कार्ड का। वो जब आप लोग पैन कार्ड वेरीफाई कर लोगे तो ऑटोमेटिक इसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ये तीनों तरीके से वेरीफाई करके आप आगे बढ़ोगे, और यहाँ पे आपको सबसे पहले जैसे ही पैन कार्ड जो आप डालते हो, अगर वो आपका बिजनेस पैन कार्ड हुआ तो GST उससे ऑटो
ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, और अगर फैच नहीं कर पाया तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्या आपका GST IN रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हुआ तो बता देना, अगर नहीं हुआ तो उसका रीज़न क्या है। आगे बढ़ के आपको 12 महीने की सेल्स डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद के स्टेप्स क्या होने वाले वो भी दिखा देता हूँ। GST डिटेल्स देने के बाद आपको सबसे पहले अपने इनकम डिटेल्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए दो तरीके बहुत ईजी है। आप इनकम टैक्स को जो है, जो अभी आपका ITR फाइल है उसको आप अपलोड कर सकते हो, जितने भी JSON XML फाइल जो भी होता है या PDF फॉर्मेट जो भी होता है, जो भी वहाँ पर फॉर्मेट कहा जाएगा उस फॉर्मेट के थ्रू आपको वहाँ पर अपलोड करना है या फिर उसको जो है मैंशन कर देना। साथ में ये बताना है कि आपने जो है इनकम डिटेल्स के अंदर ही, मतलब बेसिकली आपके इसी के अंदर ये भी आएगा कि कितना पैसा आपने एक्सपेंस किया है और बाकी फाइनेंशियल ईयर की क्या क्या रिपोर्ट्स है, पास्ट परफॉर्मेंस, आगे चल के फ्यूचर एस्टिमेट, वो सब कुछ। चाहे वो मतलब कह सकते हो कि डेब्टर से कितना लिया, क्रेडिटर्स को कितना दिया, इन्वेस्टमेंट कितना किया, आपकी अर्निंग कितनी हुई उसका इन्वेस्टमेंट, मतलब बेसिकली सभी कुछ में भी इसके अंदर आ सकता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स के अंदर आपको पता ही, बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, जो भी आपका बैंक है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया के केस में बात कर रहा है, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में ही खाता है तो उसको ही वेरीफाई कर लो। बिजनेस डिटेल्स बताना है उसको अच्छे तरीके से। इसके बाद बात आती है बिजनेस लोन डिटेल्स की, तो आपको लोन अमाउंट और कि किस बेसिस पे कौन सा लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन या इसके अलावा अदर एटसेट्रा, वो डाल के आपको आगे बढ़ना होगा। कितने टाइम के लिए लोन चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट आप चाहते हो, वो सब कुछ ठीक है। इसके बाद एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स पे आप आ जाओगे, तो यहाँ पे अगर आपको कोई खाते, मतलब सपोज करो कोई लोन अगर पहले से चल रहा है, किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का लोन हो, तो उसको आप सिंपल मैंशन आगे कर सकते हो, बता सकते हो कि कब तक खत्म होगा या फिर इसका जो है किस बैंक से लिया जाने वाला कौन सा लोन है। इसके अलावा अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे, तो जो भी आपने अभी तक जानकारी दी है, चाहे वो GST हो या फिर अदर से हो, वहाँ पे जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पे डिमांड कर दिया जाएगा कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपलोड करना है। वो मे भी शायद आपके KYC से भी हो सकते हैं रिलेटेड या आपके बिजनेस से भी हो सकते हैं रिलेटेड। लास्ट एप्लीकेशन रिव्यू को जैसे मैंने चेकआउट किया था, वैसे ही आप लोगों को एप्लीकेशन रिव्यू देखना है, एंड बैंक सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। अब मे भी उसके अंदर आपको बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिल सकता है। मे भी इसलिए बोल रहा हूँ कि हर बार आपको बैंक ऑफर करे ना करे जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने इतनी सारी चीज़ें भरी तो बैंक ऑफ इंडिया आपको मिल भी जाए। तो बैंक ऑफ इंडिया मिल जाए तो आपके लिए तो बहुत आसान काम हो गया कि बैंक ऑफ इंडिया से ही जो है आप लोग सिंपल तरीके से आवेदन कर पाओगे अपने ऑनलाइन जो है तरुण मुद्रा लोन को, जो कि आपका जो भी अमाउंट है 9 लाख रुपीज़ या फिर जो 5 से 10 लाख के बीच में आपको जितना भी चाहिए। तो ये वीडियो डेमो बेसिस पे थी, जो मैंने आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। बस अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में दिखाए तो कमेंट में पूछो, और अगर आप ऐसा चाहते हो कि सारी चीज़ मैं करके ही दिखाऊँ, मतलब किसी तरह सब तरीके से मैनुअली, तो उसके लेकर भी वीडियो आ जाएगी, बस कमेंट्स में अगर आप लिखते हो तो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी आपको, कोई भी दिक्कत ना हो पाई हो। और वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपको चालू खाता खोलना है तो आई बटन पर इस वीडियो को जरूर वॉच करें। बाय।